बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कैट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने आईपीएस डीपी सिंह की बहाली की अपनी तरफ से हरी झंडी दिखा दी है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता के इस बारे में उनकी राय मांगी थी। बताते हैं कि महाधिवक्ता ने अपनी टिप में लिखा कि इस केस में कैट के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई तुक नहीं है। आईपीएस डीपी सिंह महाधिवक्ता की टिप्पणी के साथ राज्य सरकार ने फाइल पिछले सप्ताह भारत सरकार को भेज दी थी। चूंकि आईपीएस का मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय में अटका हुआ है और इसी ने फोर्सली रिटायरमेंट की कार्यवाही भी की थी, ऐसे में पोस्टिंग का आदेश भी यहीं से विभाग के द्वारा निकाला जाना है। राज्य सरकार नियमानुसार उसका पालन करेगी। हालांकि भारत सरकार ने इस पर थोड़ा वक्त मांगा है। दरअसल 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद 15 को नई सरकार को व्यवस्थित होने में समय लगेगा। फिर यह माना जा रहा है कि जून में जीपीसी पुलिस महकमे में वापसी कर सकते हैं। आपको बता दें कि भूपेश सरकार ने आईपीएस डीपी सिंह पर राजद्रोह का केस लगाया था, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फोर्सली रिटायरमेंट कर दिया था और अब कैट ने उन्हें बहाली का आदेश दे दिया है।